नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यस्य चक्षु पति शक्रो देवपतिर्जमो पितृपति स्कंदश्च सेनापति जख्यो वित्तपतिर्हरिश्च जगतां वायुर्पति प्राणिनां मन्ये जे पतयो वसन्ति सततं कुर्वन्तु नो मंगलम। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री चरणारविंदरे ये मंगलाचरण को समर्पण पूर्वक अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्ररु सीधा प्रसारण माध्यम रे जय जगन्नाथ टीवी अगणित दर्शक मानंकु हृदयर गभीरतम प्रदेशरु श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुछि। पद्मनाभ अपूर्व संध्या समय रे आमर संध्या समय रो प्रवचन कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। महाप्रभुंकर पवित्र धाम जहाँ जगन्नाथ धाम जने महिला से भगवान सिंह द्वार रे बसी कौन सी भजन मध्य निजे पढ़ुचंती प्रभुं पाखरे तंकर अंतरात्मार कथा गाथा को सही भजन माध्यम रे जनाउचंती। कारण श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन पाई एबे भी मध्य भक्त माने आनंद रे श्रीमंदिर को चली चंती। आमे ब्रह्मा होचंती वेदपति, ए वेदपति होचंती ब्रह्मा, पशुपति होचंती भगवान शिव, नेत्रपति जी कि होचंती भगवान सूर्य नारायण। सी ये नेत्र 24 घंटा भगवान को देखु भगवान सूर्य नारायण कर कृपा ले निश्चित भाव संभव। एवं देवपति इंद्र, देवता मानकर पति हेले इंद्र, पितृमानकर पति हेले जम, एवं सेना मानकर पति हेले स्कंद जहाँ को कार्तिकेय कहा जाए, धनपति हेले कुबेर, जगतपति स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु महाविष्णु, प्राणी मानकर अधिपति होचंती पवन, एवं एई माने समस्तंकर मंगल करंतु बोली आमे महाप्रभुंकर श्री चरणारविंदर प्रार्थना टिए करिछे। इठी मध्य जने भक्त तांकर स्वतंत्र भाव रे सही अरुण स्तंभ को चाहि प्रणाम करी प्रार्थना करचंती। ठाकुरंकर क्षेत्र को आसीचंती महाप्रभु टिके दर्शन करिवे। दर्शनात मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रदह निश्चित भाव रे सकल तीर्थर फलश्रुति मिले जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन कले। तेणु महाप्रभुंकर दर्शन महाप्रभुंकर वास्तव ज्ञान रे ये सबु जेते गुड़िए दृश्य आसुची आपण माने सबु अपूर्व दृश्य को दर्शन करचंती। आज आमे मध्य जने भक्तंकर कथा को मध्य आलोचना को नबा। कारण भक्त होचंती स्वतंत्र। आपण माने देखिबे अनेक भक्त अच्छन्ति संसार रे विभिन्न मार्ग रे भगवान को से भजन करंती। किए को मार्ग रे भगवान को पाए ता आमे जानि न थाए, सेई
जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने जो मार्ग दे भक्त मान आसुचंती से मार्ग टिके आम देखुचे जे महाप्रभु को दर्शन करने संध्या समय रे आज माघ मासर पुनी शनिवार जहाँकि गोटे आनंदमय परिवेश संध्या समय प्रभुंकर दर्शन करने प्रशस्त काल कहले अत्युक्ति हम ना कारण जगन्नाथ महाप्रभु काल मानंकर सी होती काल महाकालम बंदेश कालस्य कालम से कालंकर काल तेणु श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु तांको निकट को अनेक भक्त अनेक समय रे श्रीक्षेत्र को आसी से भाव आज आम जन भक्तंकर कथा गाथा को मन पकेवा श्रीक्षेत्र निकटस्थ गोविंदपुर ग्राम रे जने उदार भक्त से तांकर स्वतंत्र भाव रे जहाँकि गोटे भगवान को प्रति ऐकांतिक भक्ति साधु संतों प्रति भक्ति एवं सदाचार थाए एभली जने भक्त तांकर ना होती गंगाधर दास गंगाधर जाति रे होती बणिया एवं तांकर धर्मपत्नी तांको नाम टी होची श्रिया गंगाधर एवं श्रिया सेमानकर पुत्र संतान बा पुत्री संतान कहीं नथिले कारण संतान संतनी कहीं नहांती सेथिपाई किंतु सेमानकर मनरे दुख मध्य नथिला कारण जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभु को जी आराधना करे महाप्रभुंकर चरणारविंद जी प्रत्येक समय रे समर्पित हुए से सांसारिक जंजाल होती सदा सर्वदा ऊर्धरे थाए कारण कह सबुरी संगे संग हो कहारी संगे नमिशे अर्थात संसार थिले मध्यो संसार बाधा तांकु आसे नाही सेथिपाई तांकर मन भितरे कौन से प्रकार विद्वेष भाव नथिला एवं शर्करा सुंठी पिपली भली पदार्थ किणा बिका करी गंगाधर तांकर व्यवसाय चलाउथिले कारण विभिन्न प्रकार मीठा द्रव्य सुंठी पिपली ये सबू औषधीय पदार्थ कहले अत्युक्ति हम ना तेणु से व्यवसाय पत्र करुले सर्वदा धर्म कार्य मन थाए पर दुखरे भांगी पड़ती आहा महाप्रभु इते दुख देखते साधु संत सेवा भगवान भजन कीर्तन एवं विभिन्न धर्म परायण कार्य से निजकु नियोजित करी सदा सर्वदा आनंद रे गोटे जीवन जापन करते आस्ते आस्ते ये संसार विधि अनुसार आपण माने जानती समस्तंकर दिने जहाँकि बयस आस्ते आस्ते बढ़िबो वृद्ध अवस्था आस्ते आस्ते आसिला दिने तांको स्त्री तांको कहिले आमर तो समय थोर आस्ते आस्ते सरीबा समय हलानी पिलाटिए नथिबारु केते हिनिमान हेउथाय जहाँ छुआटिए थिले आमे केते आनंद रे जीवन जापन करथांते ता सहित टिके समय कटे थांते अन्य मानकर सब छुआ पिला को देखी कथा स्त्री तांकर कहिले लोके आमको विभिन्न प्रकार टाही टपरा करछंती अंकर पाहुचंती पुत्र संतान नाही गोटे जहाँ कि जहाँ विविध प्रकार सबू आपण माने देखिबे ग्रामांचल रे अन्यान्य प्रकार शब्दर प्रयोग मध्ये विविध प्रकार कथा सुनिबा को मिले तेणु से भाव में किसी किसी लोक टाइटा पर भी करथांती
भाई बंधु बांधव मुह देख ले समस्ते अशुभ बोली कहते यथा भाभी स्त्री कहले मो मुह चाहिए लोके पाप लगे कहते भगवान तो देले ना गोटे गरीब पिला देखी घर को आण ताकु पुओ करी विवाह करिबा आम पाखे रही कथा चिंता करी आपण माने देखुचंती भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सिंह द्वार रे जय जगन्नाथ टीवी रे पर्दा ऊपर गोटे अद्भुत दीपटे जलुची तार शिखा अग्नि से शिखा अग्नि हाथ में मारी ताको मुंडरे नहीं लगाउचंती भक्ति रे भक्त माने महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करिबा पाई अनेक दूररु भक्त माने आसिचंती महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करिवे जो दीपटी सिंह द्वार रे लागिची अरुण स्तंभ पार्श्व रे ये दीपटी जलुची पिला मानन को नहीं करी हाथ मारी तांको मुंडरे मध्य मा बापा मा माने थौचंती कारण आमर गोटे धर्मीय भावना अच्छी धर्मीय भावना भितर निश्चित भाव रे भगवान करो सानिध्य लाभ करिबा भगवान करो होचंती निज को जतेबेले रे अन्य अन्य प्रकार विषादग्रस्त मनुष्य हुए भगवान को दर्शन करे भगवान को सानिध्य लाभ करे भगवान करो होचंती धूप दीप दे भजन कीर्तन करिबा ये सब समय जतेबेले आसे मनुष्य तो करे सेतेबेले रे अनेक दुष्कृत मध्ये नाश हो जाए एबे भी मध्य आपण माने देखुचंती भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करिबा पाई दर्शन पाई भक्त माने श्रीमंदिर को चालिचंती महाप्रभुंकर दर्शन करिबे टिके कृपा भिक्षा करिबे महाप्रसाद पाई प्रस्थान करिबे दुख सुख जनेबे कालिया शांत को ए पाखरे आमे गंगाधर दास तंकर छुआ पिला किछि नाही तंकर धर्मपत्नी जतेबेले कहिले लोकनिंदारु पार हवा पाई गोटे पुओटे आण ताकु पालिबा विवाह करिबा आमको से निश्चित भाव रे अंतकाल रे पचारिबो एवं ये भव रूपी संसार रु पारि हवा भार्जार कथा शुणी गंगाधर मन रे गोटे भावांतर आसिला से किछि आउ कहिलेनि ता परदिन पूरी गले किसी आउ कह चुपचाप रही दुई प्राणी रात्र जहाँ जमी जोड़िए खाई भगवान को आराधना करी निद्रा गले राति पाइला गाधवा पदवा कले नित्यकर्म सारी शुद्धपुत भाव रे महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी को यात्रा करछंती एवं पुरी रे पहुँची जने चित्रकर घर को जाई कृष्ण प्रतिमा टीए तैयारी कर से बाबद किसी टंका सुना जहाँ कि चित्रकर को कारण आमर अनेक प्रकार चित्रकार रूपकार ये सब पूरी क्षेत्र में अच्छा निश्चित भाव जेहेतु श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला कैवल्य पाई अनेक समय अनेक भक्त मैंने श्रीक्षेत्र को आसी था एवं जगन्नाथ महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करती निश्चित भाव देवाधि देवराज मणिमा कुटी ब्रह्मांडर देवता जगन्नाथ महाप्रभु अनेक समय रे भक्त माने जेमती आसंती से भी मध्य से दिन सेमती आसतिले आपण माने देखुचंती सिंह द्वार मध्य जो भक्त प्रत्येक मुहूर्त रे जगन्नाथ क्षेत्र को अनेक भक्त माने आसंती एवं ठाकुरंकर पाखरे पहुंची इठी तांकर दुख सुख सब महाप्रभु को जणई थांती ठाकुर को दुख सुख जणई पुणी प्रत्यावर्तन करंती से भली भाव रे चित्रकर घर गोटे किछि मूल्य देई कृष्ण प्रतिमा टी करेले एवं ताकु कृष्ण मूर्ति टी को आनी गंगाधर तापरे श्रीक्षेत्र जगन्नाथ को दर्शन कले एवं
महाप्रभुंकर दर्शन सारी प्रत्यावर्तन करिसेंति गाँ को जेतेबेले चलिले गाँव जाई पहुंची गले जो कृष्ण प्रतिमा टी लेके जाइथिले सी तंकर धर्मपत्नी के लेके से प्रतिमा टी दे देले कहले श्रीया तुम ये कृष्ण प्रतिमा टी नियो यही होचंती भगवान श्रीकृष्ण तेणु ये होचंती संसार गतिदाता मुक्तिदाता सबु यही भक्तिपूत भाव रे यांकु पूजा करिवो तमे जहाँ मागिवो ये ता मध्य देबे यांकु होचंती पुत्र भाव रे ग्रहण कर तेणु यह कुपुत्र बुद्धि करी जशोदा देवी गले तोरी द्वापर जुगरे जशोदा कर तंकर पुत्र संतान जत बेले नथिला सेत बेले याकुई सी पुत्र कले एवं ये धराधाम से तरी जाई छंती जशोवती माता जे कि भगवान कृष्णंकर माता हे परथिले सेई ये से कृष्ण अपूर्व प्रकार रो विविध प्रकार दृश्य एबे हमर जय जगन्नाथ टीवी रो पर्दा ऊपर आसुची आपण माने ता मध्य देखुचंती श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र अनेक आलोक माला ये आलोक माला मध्यरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन दर्शनात मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फल प्रदह दर्शन करिबा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले कालिया शांतंकर दर्शन स्वतंत्र तेणु गंगाधर दास से दिन से कृष्ण प्रतिमा को तंकर धर्मपत्नी को दे कहले ब्रह्मादि सर्वदेव गणी यहाँकु भावु थांति मनि हे प्रभु बिना अन्य जणी नाही जीवन उधारणी ये होचंती एभली प्रभु ये जीवन को उद्धार करिवे तेनु ब्रह्मा इंद्र सर्वदेवता मान मध्य तंकु सदा सर्वदा स्तुति करुथांति तमे यांकु पालिले ये निश्चित तुमको होचंती पुत्र रो प्रकृत ज्ञान रे पुत्र जहा करे ये सेया ही करिवे स्वामी को कथा को पत्नी श्रीया मानी मन को पाइला आनंद मन रे मूर्ति को नहीं स्नान माजना करैले दिव्य आसन रे बसैले एवं भल सर क्षीर आनी देले मनरे विचार कले अनेक दिन परे पुओ को पाइची आम दुहिं को जीवन धन्य हो गला लोके आमको विभिन्न प्रकार कथा कहुथिले छिगुलौथिले पुत नरकरु समाने पार होई जिवे एई कथा भाभी भाव विहोळ होई से जहाकी क्षीर सर को प्रतिमा को पुत्र सम्मुखरे रखिले जेई सही प्रतिमा सम्मुखरे पुत्र बोली भाभी क्षीर सर सब थोई कहले पुअरे सकाळ किछि खाइनु एई तक खाई दे तू न खाइले सत कहुचि मु भी खाइबिनि ए होची आत्मीय भल पाइबार संज्ञा भगवान को भल पाइबार ये होचंती आत्मीय कथा से दिन श्रीया गंगाधर दासंकर धर्मपत्नी श्रीकृष्णंकर प्रतिमा को कहुची कहला पुअरे याकु तू खाई दे जदि न खाइबु ताले मु भी खाइबिनि एई होची भगवान को प्रति अनुराग गंगाधर मने मने हसुथांति किंतु आनंदित भी होथांति कहले आहा मु जहा सूचना करि नथिली ताही देखुची राति पाइले माटी जेमिति पुओ पछरे छाई परि लागे सेई भली भाव रे लागिथांति आपण माने देखुचंती श्रीक्षेत्र रो श्रीमंदिर रो सम्मुख
अनेक दृश्य आम देखुचे विभिन्न स्थान रे विभिन्न भक्त मान जीवा आसवा लगी साधु सन्त मान आसुचंती जाउचंती दृश्य मध्य आम देखुचे ए तद व्यतीत प्रख्यात भक्त गंगाधर दास पत्नी की जो प्रतिमा टी देचंती श्रीकृष्ण प्रतिमा सी तांकर माँ भली पु को स्नेह करी श्री कृष्णमूर्ति रूपक पुत्र पिछा छाड़ू न थांती एवं तांकु तेले लगे दियंती कुंकुम लगे दियंती स्नान कर दियंती कर्पूर चंदन शरीर रे बुली क्षीर सर छेना पुली घी आउरी अन्य प्रकार रो विभिन्न प्रकार खाद्य पुओ को खाइबा को दियंती गंगाधर विभिन्न स्थान को जाई विभिन्न खाद्य पदार्थ आनंती पुत्र को देला परे स्वामी स्त्री खांती ये मध्य तांकर दुई जन जाकर भगवान को प्रति अनुराग आस्ते आस्ते आउरी बढ़ीगला घनीभूत होगला से कृष्ण प्रतिमा को से भगवान भाव रे पुओ भाव रे कारण से भगवान भाव रे अर्चन करनुथले से पुओ भाव रे पुओ को जेमती कोळेगिर खाया पिया को दियंती सेभली भाव रे दउथांती माता पुत्र को कोळरे धरि स्नेह करंती घड़िए पाखरे अंतर करंती नाही पुत्र मुखरे चुंबनटे देई आनंद रे नाचंती कृष्ण पुत्र रो मुख को चाही गंगाधर ओ भार्या संसार रो सब दुख जंजाल को भूली जाउथिले इमते अनेक दिन आस्ते आस्ते कटिला दिने गंगाधर भार्या को कहिले मु बणिक सकाशे रे बाहर को जाउची पुओ तमको लागिला घड़िए ता पाखरु अंतर हेबो नाही स्त्री को एतिकी कही पुत्र को कहिले पुओ रे माँ तोते लागिला तोते घड़िए भी छाड़ी जीवा को मो मन होना ही किंतु मु नाचार बणिक नकले बंची भी केमिति प्रकृत रे ए संसार रे होउचंती कर्तव्य करिबा को पड़िबो एवं कर्म भी करिबा को पड़िबो कर्मण्यम्बाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन कर्म करिबो नाना मते फलिबो कर्मर आयते कर्म न कले भगवान बा कौन देबे खाइबा को कोठु देबे निहति हमकु समस्तंकु कर्म करिबा को पड़िबो कर्मर दास आमे तेणु से दिन गंगाधर मध्य सही कथा चिंता कले कहले कर्म न कले चलिबा केमिति खाइबा कौन तेणु कर्म तो करिबा को पड़िबो सेथिपाई पुओ तते छाड़िकी जीवाकु इच्छा नहले मध्य वणिज करिबा पाई माँ पाखे तते छाड़िकी जाउछि तेणु भावग्राही दीनबंधु पिता मातांकर अंतर व्यथा बुझिले कारण से प्रतिमा स्वरूप थिले मध्य से देवता आगरु तो सेमाने स्नेह श्रद्धारे बांधी जाइथिले पुत्र होइथिले मनीषर कंठरे कहिले हे पिता माता मनरे कौनसी चिंता कर ना तुमपरी पिता माता पाई मु धन्य तुम मानक पाई मोर कर्तव्य ओ दायित्व तुलाइबी मनवांछा निश्चय पूरण हेब प्रतिमा मध्य कथा कहिला सेई दिन जेउ दिन गंगाधर कहिले पुअरे माँ तोते लागिला माँ को कहिले पुओ तुमको लागिला मु आसुची से दिन प्रतिमा मध्य कथा कहिले यही होची भगवान को प्रति भक्त रहउचंती भाव सेथि पाई तो भाव विनोदिया आहा ठाकुर भक्त बच्छल हरि भक्त पाई कले बर दस मूर्ति धरी पुओ मध्य से दिन कहूँ मु मो कर्तव्य पूरण करी मूर्ति मुहरु एभली मनुष्य कंठ सुनी विस्मित होइगले दुई जन जाक भगवान को उद्देश्य रे केवल हाथ जोड़िले हे दयामय सबु तमरी इच्छा कृष्ण मूर्ति को चाहिले से नीरव निश्चल मुखरु किंतु अमलिन हस
झरी पड़ु थाए पुत्र को छाड़ी बाहर को जीवा को गंगाधर आदौ इच्छा हो नथिला किंतु व्यापार बणिज नकले चलिबनी स्त्री को पुत्र दायित्व समर्पी से चलिले व्यापार बणिजरे चाहू चाहू तीन दिन बीतीगला पुत्र को न देखी गंगाधर मन उच्छन पड़ु थाए तीन दिन तीन युग पी लगला पुत्र पुत्र बोली बाउली हो थाए चतुर्थ दिन पुत्र पाई विभिन्न सुस्वादु भक्ष्य सामग्री धरी निज ग्राम अभिमुखे फेरुले बाट जाक पुत्र पुत्र हो गाँ जिते पाखे आसुए से मन उछन हो गंगाधर तो एक बुद्ध पुणी तरतर हो चली था हठात तो गोड़ा खसीगला तले कचाड़ी पड़गले चारि आड़े खाली अंधकार कृष्ण पुत्र मु हतभागा मला बेले तो मुख देखि पारिली कहू कहू तांकर प्राणवायु उड़ीगला आहा यही होचंती भक्त भगवान गाँ लोक तुरंत आसी ये दुखद खबर गंगाधर स्त्री को देले गाँ बाहर तुम्हारे पति पति पड़चंती स्वामी को आकस्मिक मृत्यु खबर गाँ लोक सुनी श्रीया गभीर दुखरे भांगी पड़े एवं हतबाक होगले स्वामी स्वामी बोली मूर्छा होगले उपस्थित थिवा लोक मुहरे पानी मारी तंकु चेता कराई चेता पाई से खाली बल बल चाहू थांती पुनी कांदु थांती शोकरे आतुर होई कृष्ण प्रतिमा पाख को गले भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पवित्र लीला किए बा कही पारिबो आपण माने देखुचंती चतुर्पार्श्वर दृश्य को ए पाखरे आमे कृष्ण प्रतिमा पाख को जेते बेले रे चलिले से समय रे से कांदु थांती एवं आतुर रे कृष्ण प्रतिमा को जाई कहिले पुअरे मु भासी गली कि बुद्धि करी जापना तो बापा घर को फेरुले बाटे पड़ी मरीगले तोते तो केते श्रद्धा करुले घड़ीए न देखिले रही पार नथिले झुरी झुरी प्राण चलीगला मु भी सांगे चली जीवि रे पुओ मो कोल को टिके आ मला पूर्व तोते टिके गेल करदेवी देखीदेवी प्रभु भक्त बत्सल जगन्नाथ महाप्रभु से होचंती अरक्ष रक्षक अनाथर नाथ से होचंती सर्वद्रष्टा सर्वनियंता अंतर्जामी भक्त बत्सल नारायण माँकर विकल कांदना आउ सही पारिले नाही कहले माँ तमे कांदना ही बापा तले पड़ी मूर्छा जाइछंती सेठाकू तमे चंचल जाई तांकू घेनी आस कृष्ण पुत्र मुखरु यहा सुनी गंगाधर स्त्री जीवन पाइला भली अत्यंत आनंदित मनरे स्वामी जेउठी पड़ीथिले सेटा को धाइले स्वामी को छाती उपरे डाकिले एते समय हला एठारे सोइचो पुओ को तमरो मने पड़ुनी ना कौन घरे से कुटिया अछि चंचल चालो वास्तव रे भगवान होचंदि सत्य तेणु सत्य एका बोल सत्य नासे खोल प्रभु सत्य रे करो आश्रय असत्य कुतेजी अनीति बरजी जार जुगे जुगे नाही क्षय गंगाधरंकर स्त्री जेतेबेले रे पहुंची गले पुओ डाकुची पुओ को देखिबा को इच्छा हो नहीं तुमको झुरुची पुओ एही कथा जेतेबेले कहिले गंगाधर कारण भगवान होचंती चिंतार्थी चिंता मणि सुंदर भावरे आमे प्रभुंकर सही नीलाचल धाम को देखुचे चतुर्पार्श्व चल चंचल चारियाड़े गोटे भक्तिर वातावरण भक्त मान चारियाड़े बुलुच
ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏ ପାଖରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଯାଇ କାକୁତି ବିନତି ହୋଇ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ପୁଅକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, ମୁଁ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲି, ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ। ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ଦେହ ଦୁର୍ବଳ, ପୁଅ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର, ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ତା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଏଥିସହିତ ଦେଖୁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଭକ୍ତମାନେ କୃତାର୍ଥ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଭାବ ଭକ୍ତିର ସମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପାପ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଆସି ଏହି କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ରୂପୀ କୃଷ୍ଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏଣିକି ତୁମର ଦୁଃଖ ଗଲା, ତୁମେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମିଳିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମର ଘର ପୁରୀ ଉଠୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଘରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେ, ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଅ କଲା କୁଆଡ଼େ, ଇଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଳିକ ମାତ୍ର। ନଚିରମ ଜୀବତା ଲୋକା ନଚିରମ ଧନ ଯୌବନମ ନଚିରମ ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସଜୀବତି, ଇଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂସାରରେ ଅନିତ୍ୟ, ତେଣୁ ଇଏ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହିଁ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ପାପ ପଙ୍କେ ଗଢ଼ା ସଦା ନାହିଁ ତିନି ସ୍ତାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗତି ମୁକ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ହିଁ କେବଳ ଦାନ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଗତି ଦାତା। ପ୍ରଭୁ ସାରା ସଂସାରରେ ତେଣୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜୁଛି ଚେତା ଚୈତନ୍ୟରେ। ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଏ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲେ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛାରୁ ଉଠି ଶ୍ରିୟା ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାରରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଜୀବନ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତାରେ ନିଜକୁ ସାହସ ଦେବେ, ପୁତ୍ର ବିନା ଇଏ ଘରଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନରକ ତୁଲ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରିୟା ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ବୈଶ୍ୱାନର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମୁକ୍ତିର ଦେବତା,
मुक्ति दियंतु मुक्ति दियंतु। यही भाव दुहे जाक वैकुंठ प्राप्ति हो जाती भगवती माँ लक्ष्मी को आम दर्शन करुचे गंगाधर पत्नी सिना श्रिया भगवान भगवती महालक्ष्मी दिने से श्रिया चंडाणी घरे जा पहुँची जाते जो भगवती स्वरूप बड़ सुंदर स्वरूप वंदे लक्ष्मी परशिव मयी शुद्ध जाम्बु नदाभाम आपण माने आमर जय जगन्नाथ टीवी पर्दा उपर माँ अपूर्व दृश्य को देखुंट तेजो रूपाम कनक बसनाम सर्वभूषो ज्वलांगी बीजापूरम कनक कलशम हेम पद्मम दधानम आद्या शक्ति सकल जननी विष्णु बामां संस्था माँ कारण माँ बोली डाकिदे माँ कृपा कर दिए भगवती महालक्ष्मी ये हूँ वंदे वंदे मावे सुनुंक पाटराणी नमो नारायणी नारायण स्वरूप पतित पावन ऊर्ध देश रे भगवती महालक्ष्मी नारायणी जी नारायण एवं नारायणी की आराधना करे ना निश्चित भाव ये भवरूपी संसार रु गतिदाता सीए मुक्तिदाता सीए सबु देवे कारण तांक कृपारे असंभव संभव। आमे जो कथा आलोचना करूथिले भक्त गंगाधर दास कर गृहरे से कृष्ण प्रतिमा कथा कहिले से कृष्ण प्रतिमा पु हो गले से कृष्ण प्रतिमा मध्य ऐश्वर्य प्रदान कले तेणु कहा जाइछि सेति पाई हे कृष्णं तोदीय पद पंकज पिंजरान्ते प्रभु अद्वैव मे बसतु मानसरा जहन मानस हंस स्वरूप भगवान जेतेबेले त्रिकूट रे बसंती ना सेतेबेले मुक्तिर मार्ग दृश्य हुए। आज आम से मुख्य द्वार दर्शन करुचे जे उत्तर द्वार तार अन्य नाम हूँ मुख्य द्वार भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ये मुख्य दाता जगन्नाथ मुख्य द्वार उत्तर द्वार पुणी मुख्य देवता जी की पतित पावन नारायण जहांकर दर्शन जहांकर कृपारे सबु संभव हो पारे। जहाँ ये संध्या समय अपूर्व प्रकार जहा प्राणं पयान समये कफवात पीते कंठावरधनौ विधौ स्मरणं कृतार्थे प्राण पयान समय रे भगवान से श्री कृष्ण गोविंद हरि नारायण यही नाम यदि स्मरण हुए वैकुंठ प्राप्ति हो थाए तेणु निश्चित भाव से वैकुंठाधिपति जगन्नाथ को कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक मोर यही बाणी को विश्राम दे आम परम सहयोगी श्रीजुक्त शेषदेव साहू महोदय से मो पाखे उपस्थित अच्छा मुझे अनुरोध करी महाप्रभुंकर श्रीमंदिर विविध सेवा कारण अनेक प्रकार सेवा महाप्रभुंकर रही सेव्य सेवक सेवार कथा गाथा तथ्य तत्व को आपण मानक पाखरे सुंदर भाव से निश्चित भाव में उपस्थापन करेंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।